अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से आया हूँ आपके साथ एक नई अपडेट लेकर के कि जो हमारी मुमताज़ आफत हीरा ग्रुप की सपोर्टर जो जिनके जो हॉस्पिटल में थी और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और तकरीबन बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा और ये वीडियो जब नोहरा आपा के पास पहुँचा तो उन्होंने जल्द से जल्द उनको पेमेंट इशू कर दिया। उनको 2 लाख रुपये की ज़रूरत थी, उनको उनका ही पेमेंट दे दिया गया था। और वैसे तो उनके और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मगर उनको जो ज़रूरत थी रमज़ान नीडी के हिसाब से उनको दे दिया गया और बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट से फिर बाद में उनका जो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे ये बात है कि एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली, हमारे लिए खुशखबरी है कि कंपनी पैसा दे रही है, कहीं भी पैसा कहीं रुक नहीं रहा है। और ये जो लोग दुश्मन ने हीरा है जो बताते हैं कि कंपनी फ्रॉड है पैसा नहीं देगी, ये उनके मुँह पर एक बहुत अच्छा सा एक बहुत बड़ा सा तमाचा है। तो आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोगों को क्या करना है कि जल्द से जल्द फॉर्म भर देना है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जल्द जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे आपका वेरिफिकेशन उतनी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं और जो जो लोग इस तरह से गलत अफवाहें फैलाते हैं उनकी बातों में ना आए, उनको उनसे ना डरें और अपना फॉर्म भर दें। और अगर फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो या हीरा ग्रुप कॉल सेंटर नया नंबर शुरू हो चुका है, आप उन पर कॉल करें या तो हमें कमेंट करें, हम आपको कोशिश करेंगे पूरी पूरी गाइडलाइन देने के लिए। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा था और कल ईद है, तो आप सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक आप सबको। और एक ख़ास एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपसे, बहुत बहुत ही बहुत ख़ास रिक्वेस्ट है कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करेंगे तो हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर हकीकत में देखा जाए तो वही एक मुसलमान होने का एक हक अदा कर रहे हैं, जो अक्सा मस्जिद अक्सा है जेरूशलम जो हमारा सबसे पहला किबला था उसकी हिफाज़त के लिए वो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर। इसराइल ने इस रमज़ान के मौके पर ईद के मौके पर उन लोगों से जो है उन पर हमला कर दिया है, मिसाइल दागे जा रहे हैं वहाँ, लोगों को मारा जा रहा है। हम तो ये आराम से मुतमईन होकर अपने रोज़े रख रहे हैं और बस ये हीरा के पैसे कब आएंगे कैसा होगा बस यही सोच रहे हैं, मगर वो लोग बेचारे वहाँ पर अपनी जान को हथेली पर लेकर हमारे इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो आप हमें क्या करना है, बस सिर्फ उनके लिए एक दुआ करनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अपने दोस्त के लिए अपने भाई के लिए जो दुआ करता है उससे 10 गुना ज़्यादा वो उसके दुआ करने वाले को उसका सिला मिलता है। तो हमें भी बस एक छोटा सा काम करना है कि उनके लिए तहे दिल से अपने दिल से उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनके आसानी करें, अल्लाह उनके लिए आसानी करें, आसान रास्ते निकाले ताकि वो भी खुशी खुशी से ईद मना सकें। और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी का एक नया सर्कुलर भी आ चुका है 7 मई को, आप कंपनी की IBG वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर एक सर्कुलर का एक बटन बना हुआ है उसको क्लिक करें और सर्कुलर को पढ़ लें कि कोविड की गाइडलाइंस की वजह से अगर उनकी कंपनी का जो कामकाज है थोड़ा रुका हुआ है ऑफिस वगैरह, तो अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है तो उसमें पढ़ के आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है उसमें कि कोविड का माहौल जिस तरह से होगा उसके हिसाब से उनका काम चलेगा, आप लोग वो देख सकते हैं वहाँ वेबसाइट पर जा करके। और भी इसके अंदर उस पेज के ऊपर IGB लिंक लिखी हुई है, जो अगर आपके पास IBG नंबर नहीं है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए अलग अलग ईमेल दिए हुए हैं, आप उस पर जा करके चेक कर सकते हैं और आपको अगर जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप उसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं और आपको उसका जवाब 27 आवर्स में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।